अब्बा से हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। तो रास्ते पे तख्ती लगी है, दुर्घटना से देर भली, होशियार सावधान, अगर तवज्जो हटी दुर्घटना घटी, अत्ताखीरु खैरु मिनल हादिसा, दुर्घटना से देर भली, तो ये तंबीह कर दी गई क्योंकि वहां खतरा था, खतरा। अच्छा, औलिया किराम का जिक्र करते हुए हरफे तंबीह लाया गया, क्यों लाया गया, यहाँ कैसा खतरा था। हालांकि अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया, वहाँ हरफे तंबीह नहीं है, रोजे का हुक्म दिया, वहाँ हरफे तंबीह नहीं है, ज़कात का हुक्म दिया, वहाँ हरफे तंबीह नहीं है, हज का हुक्म दिया, वहाँ हरफे तंबीह नहीं है, नमाज का हुक्म दिया, इरशाद रब्बानी है, अकीमुस्सलाह अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, हरफे तंबीह नहीं है, ज़कात का हुक्म दिया, हुक्म खुदा है, वअतुज़्ज़का, मालों की ज़कात दो, यहाँ भी हरफे तंबीह नहीं है, रोजे का हुक्म दिया, हुक्म खुदा है, या अय्युहल्लदीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ओ ईमान वालों, तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे अगलों पे फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, यहाँ भी हरफे तंबीह नहीं है। और जब हज का हुक्म दिया गया, इरशादे रब्बानी है, वलिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, साहिबे इस्तेआत पर अल्लाह के लिए हज करना फर्ज है, यहाँ भी हरफे तंबीह नहीं है, नमाज का हुक्म है, हरफे तंबीह नहीं, रोजे का हुक्म है, हरफे तंबीह नहीं, ज़कात का हुक्म है, हरफे तंबीह नहीं, हज का हुक्म है, हरफे तंबीह नहीं। औलिया किराम का जिक्र करते हुए हरफे तंबीह क्यों लाया गया, तो मेरा नाकिश इल्म कहता है कि अल्लाह ताला अल्लामुल गुयूब है, वो जानता था और जानता है कि एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोग नमाज का इनकार नहीं करेंगे, रोजे का इनकार नहीं करेंगे, हज का इनकार नहीं करेंगे, ज़कात का इनकार नहीं करेंगे, सदका का इनकार नहीं करेंगे, फितरे का इनकार नहीं करेंगे, हाँ औलिया किराम की फजीलत का इनकार करेंगे, औलिया किराम के तसर्रुफ का इनकार करेंगे, औलिया किराम की अजमत का इनकार करेंगे। अल्लाह ताला ने हरफे तंबीह लाकर ये बता दिया, ओ लोगों, मेरे औलिया के ताल्लुक से मशकूक मत होना, औलिया को जो ताकत दी गई है ये इनकी अपनी जाती ताकत नहीं, ये अल्लाह ने अता फरमाई है, इनको जो अजमत मिली है ये अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। हमारे गौसे आसम ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, गौसुल फरा कॉन्फ्रेंस। औलिया किराम की अजमत का इनकार मत करना। और हमारे गौस तो वो पीरे पीरा हैं, मीरे मीरा हैं, शाह जीला हैं, कि जब वलादत होने वाली थी तो वलादत की शब जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन अनीसुल गरीबीन सिराजुस सालेकीन शमसुल आरेफीन शफीउल मुजनेबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबीयीन इमामुल अवलीन वल आखिरीन ताहा व यासीन सुभान अल्लाह बोले मोमिनीन सुभान अल्लाह। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम रसूले मुहतशम शफीउल उम्मम शहरे यारे इरम ताजदारे हरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी शब में कि जिस शब में गौसे आजम की वलादत होने वाली थी, हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के ख्वाब में आकर इरशाद फरमाया, बोलो सुभान अल्लाह, आज ही हम सो जाएं और ख्वाब में प्यारे नबी का दीदार हो जाए। अरे बोल तो दो मुस्कुराकर खुश होकर सुभान अल्लाह, ख्वाब में ही सही वो मनमोहनी सूरत नजर आ जाए। एक एक अंधा कर अंधा ऐसा मेरे हुजूर गई बारी हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बारी हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया, ख्वाब में आका का दीदार हो गया। और ख्वाब में आका ने फरमाया, ओ अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, तुम्हारे घर जो बच्चा आ रहा है वो कोई मामूली बच्चा नहीं, वो मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है। अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, वो मेरा बेटा है, बेटा। और इसी लफ्ज़े बेटा को आला हजरत ने यूं इस्तेमाल किया, तेरी सरकार में लाता है।
जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। फरमाया वो मेरा बेटा है और वो अबू साले उस फरजंद की शान वलियों में वैसी ही होगी जैसी शान नबियों रसूलों में मेरी है। मतलब जैसे मैं सारे नबियों रसूलों में अफजल आला हूँ, मेरा वो बेटा तमाम वलियों में आला होगा। वो नौजवान जो लबे दरिया जिक्रुल्लाह में था, सुबह में जिक्रुल्लाह, शाम में जिक्रुल्लाह, दोपहर में जिक्रुल्लाह, हर लम्हा जिक्रुल्लाह, हर पल जिक्रुल्लाह, हर घड़ी जिक्रुल्लाह। अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। रात में भी अल्लाह का जिक्र हो रहा, दिन में भी अल्लाह का जिक्र हो रहा। तीन दिन गुजर गए, नौजवान ने कुछ खाया नहीं है, पानी में बहता हुआ एक सेब नजर आया। नौजवान आगे बढ़ा, सेब उठाया, बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लिया। खा लेने के बाद एहसास हुआ कि सेब का मालिक कौन था, इजाजत तो ली नहीं, इजाजत तो ली नहीं, बगैर इजाजत के खा लिया सेब। ये मुझसे गलती हो गई, मालिक की तलाश शुरू कर दी, पानी के बहाव के खिलाफ चलना शुरू किया। एक सेब खा लिया था बगैर इजाजत के, परेशान हो गए कि मालिक कौन है, इजाजत नहीं ली, मालिक से मिलकर इजाजत लेनी चाहिए या माफी का परवाना लेना चाहिए। ये एक सेब खाया था। आज आज हालात ऐसे हैं, कुछ तो ऐसे लोग हैं मौलाना इफ्तिखार साहब के एक सेब क्या, सेब का पूरा दरख्त गायब कर दे, सेब का पूरा दरख्त गायब कर दे और एहसास है गलती भी ना हो। लेकिन वो नौजवान चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, लंबी मुसाफत तय करने के बाद बाग सेब का एक बाग नजर आया और एक दरख्त लबे दरिया था, उसकी शाखें पानी की तरफ झुकी हुई थी, शाखें भी फलदार थी। नौजवान समझ गया सेब इसी बाग का था। लोगों से पूछा सेब के इस बाग का मालिक कौन है, लोगों ने बताया एक मुत्तकी है, परहेजगार है, नमाजी है, आबिद है, जाहिद है, रोशन जमीर शख्सियत है। नौजवान ने उस बुजुर्ग से मुलाकात की, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बुजुर्ग ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। लंबी मुसाफत का मकसद नौजवान ने पेश किया कि एक सेब मैंने आपके बाग का बगैर इजाजत के खा लिया था, माफी का परवाना हासिल करने आया हो। हाफिज उकारी आलिम व फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। सुभान अल्लाह। अब बुजुर्ग ने नौजवान की पेशानी देखी और बुजुर्ग समझ गए कि ये कोई मामूली नौजवान नहीं, अगर चंद दिनों तक चंद सालों तक मेरी खिदमत में ये रहेगा तो वलायत का आसमान बनेगा। तज़किए नफ्स के बाद जब मुज़क्का का मुसफ़ा हो जाएगा तो फिर इसकी दुनिया बदल जाएगी। बुजुर्ग ने कहा हा हा हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहंशाह तरन्नुम हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी। बुजुर्ग ने कहा कि अगर चंद सालों तक मेरी खिदमत में ये रहेगा तब तो और भी समर जाएगा, सज जाएगा, निखर जाएगा। बुजुर्ग ने कहा हा, माफी का परवाना तो मिलेगा लेकिन 10 साल तक मेरे बाप की रखवाली करनी होगी। 10 साल तक, 10 साल, 10 साल, क्या कबूल है? नौजवान ने कहा हा, सजा आखिरत की सजा से बेहतर यह है कि दुनिया में ही ये मशक्कत और मेहनत झेल ली जाए, मुझे कबूल है। बोल दो तो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। नौजवान ने बखुशी रजामंदी का इजहार किया। 10 साल, 10 साल कोई मामूली टाइम होता, रखवाली होती रही होती रही। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 4, 5, 6, 7 साल गुजरे, 8 साल गुजरे, 9 साल, 10 साल, 10 साल का अरसा पूरा हुआ। 10 साल कोई मामूली वर्षा है? 10 साल, 10 साल, 8.5 साल में तो हालत सबकी खराब हो चुकी है। 10 साल, नफसी नफसी का आलम है, 10 साल की बात कर रहा हूँ। 10 साल पूरे हो गए,
अब आ गए बुजुर्ग के पास, अब तो माफी का परवाना दीजिए, अहले खाना के पास जाऊं। बुजुर्ग ने कहा नहीं, एक शर्त और है, तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना होगा। मेरी बेटी आंखों से अंधी है, मेरी बेटी कानों से बहरी है, मेरी बेटी जबान से गूंगी है, मेरी बेटी हाथों से लुंजी है, मेरी बेटी पैर से लंगड़ी है, तुझे कबूल है? अगर कबूल है तो माफी का परवाना भी मिलेगा, बताओ क्या इरादा है? बुजुर्ग ने कहा कि माफी तो मिल जाएगी, लिहाजा माफी हासिल करने के लिए ऐसी माजूर लड़की को कबूल कर लिया जाए ताकि इसी बहाने से एक माजूर खातून की खिदमत का मौका मिल जाए। मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। अब निकाह हो गया, इजाजत मिली कि वो कमरा है उसमें तुम्हारी शरीक हयात है। नौजवान कमरे के अंदर दाखिल होना चाहा, दरवाजे पे पहुंचा, एक हुस्न जमाल की पैकर पे नजर पड़ी, आंखें फटी की फटी रह गईं, पेशानी चमकदार और कुशादा, आंखें सुरमगी चश्मे गजाला, रुखसार भी लाजवाब, लबे नाजुक भी बेमिसाल, एक एक आदा लाजवाब, ऐसा लगता था कि जन्नत की सजी सजाई हूर आ गई हो। पलटकर आ गया नौजवान बुजुर्ग के पास, ऐसा लगता है दुल्हन बदल गई, ऐसा लगता है दुल्हन बदल गई। आपने फरमाया था कि आपकी बेटी ओयूबो नकायस से भरी हुई है, उसके अंदर ओयूबो नकायस है, लेकिन मैं जिस खातून को देख कर आ रहा हूं वो तो हुस्नो जमाल की पैकर है, ऐसा लगता है दुल्हन बदल गई। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर फरमाया नहीं बेटा, वही तेरी बीवी है और वही मेरी बेटी है, मेरी बेटी ने, अम्मा बहनों की तवज्जो चाहूंगा। फरमाते हैं बुजुर्ग, मेरी बेटी ने कभी इन आंखों से किसी गैर महरम को नहीं देखा है, इसलिए वो आंखों से अंधी है। मेरी बेटी ने जबान से कभी शरीयत के खिलाफ कोई बात ना कही है, इसलिए वो जबान से गूंगी है। इन कानों से शरीयत के खिलाफ कोई बात ना सुनती है, ना तो बोलती है, इसलिए वो कानों से बहरी है, हाथों से लुंजी, इसलिए कि शरीयत के खिलाफ उसका हाथ कभी ना उठा, और पैर से लंगड़ी, इसलिए कि शरीयत के खिलाफ कभी घर से बाहर उसने अपना कदम नहीं निकाला है। वही तुम्हारी बीवी है, वही मेरी बेटी है। ओ सबूतर में गौसे आजम की महफिल में आने वालों, उस बुजुर्ग का नाम हजरत अब्दुल्लाह सौमई है, और उस नौजवान का नाम हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त है, और उसी खातून का नाम उम्मुल खैर फातिमा है, और हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त और उम्मुल खैर फातिमा की इज्तेबाजी जिंदगी में चमने वलायत में जो फूल खिला उसी को गौसे आजम कहते हैं। वही पीरे पीरा है, वही मीरे मीरा है, जिनकी शान यह है सर भला क्या कोई जाने कह कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, हाथों को उठा कर बोलो जिंदाबाद, ताजदारे बगदाद, शहनशाहे बगदाद, ताजदारे बगदाद, शहनशाहे बगदाद। तो आका ने ख्वाब में फरमाया कि वो मेरा भी महबूब है और अल्लाह का भी महबूब है। और सुनो, हजरत जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा शेखुल मशाइख, हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह तआला का जमाना गौसे आजम के जमाने से 200 साल पहले का, 200 साल पहले का, 470 हिजरी में गौसे आजम की वलादत हुई, 470 हिजरी में, मौजूदा हिजरी 1444, तकरीबन 1000 साल हो गए, 1000 साल, 470 हिजरी में गौसे आजम की वलादत हुई, और हजरत जुनैद बगदादी गौसे आजम से 200 साल पहले गुजर गए थे। लेकिन हजरत जुनैद बगदादी अपने मुरीदीन, मुतकदीन, मुतवस्सिलीन, मुहिबीन के दरमियान तशरीफ फरमा थे, कैफियत आपकी मुराकबे वाली थी, आप मुराकबे की सूरत में, मुराकबे की कैफियत में, मुराकबे की हालत में तशरीफ फरमा थे। अचानक सर उठाया और कमरे से बाहर आ गए और फरमाया लोगों मुझे आलम गैब से ये खबर मिली है। जुनैद बगदादी फरमाते मुझे आलम गैब से ये खबर मिली है कि पांचवी सदी की वस्त में औलाद रसूल में
जीलान में एक बच्चा पैदा होगा जिसका लकब मुहीउद्दीन होगा और नाम सैयद अब्दुल कादिर होगा। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि वो बगदाद के जामे मस्जिद के मेंबर से ऐलान करेगा, तदमी हाजे ही अला रकबते कुल्ले वलिल्ला, तदमी हाजे ही अला रकबते कुल्ले वलिल्ला। और सबने इस ऐलान को सुना, जब ऐलान किया मेरे गौस ने तदमी हाजे ही अला रकबते कुल्ले वलिल्ला, तो इराक के औलिया ने सरों को झुका दिया, ईरान के औलिया ने सरों को झुका दिया, मिस्र के औलिया ने सरों को झुका दिया, मुल्क शाम के औलिया ने सरों को झुका दिया, अरब औलिया ने सरों को झुकाया, आजम के औलिया ने सरे नियाज खम किया, और खुरासान की पहाड़ी में खाजा पिया। गरीब नवाज के कानों तक आवाज पहुंची तो गरीब नवाज ने कहा था, ला बल अल्लाह रासी व आईनी, ओ गौसे आजम आपके कदम पाक सिर्फ मेरी गर्दन पे ही नहीं, मेरी आंखों पर भी है, मेरे सर पर भी है। और यही आवाज जब बरेली शरीफ पहुंची है तो मुफ्ती आजम शहजादे आला हजरत ने फरमाया, ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। बोलोगे या कुछ और करूं? गौसे आजम का गुलाम हूं, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, और अकीदत से सुभान अल्लाह। सब कादरी हैं जो तशरीफ फरमा, तो गौसे आजम की वलादत हुई। सुनो उस शब में, जिस शब में गौसे आजम की वलादत हुई, जीलान में और गिर्दो नवाह में, जिन जिन घरों में वलादत हुई, पैदाइश हुई, हर घर में लड़का पैदा हुआ। बच्चों, हर घर में लड़का पैदा हुआ, हर घर में लड़का पैदा हुआ, और अल्लाह ताला ने सबको वलायत अता फरमाई। ये वलायत वहबी शय है, वहबी कस्बी नहीं है, कस्बी ये वहबी है, अल्लाह ने अता फरमाई। हमारे गौस को अल्लाह ताला ने मादरजाद वली बनाया, पैदाइशी वली बनाया। अब सुनो हदीसे पाक, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा होगा, मफहूम और तर्जमा समाप्त करना। हजरत अबू हुरैरा आका के सहाबी, बाबकार सहाबी, जीबकार सहाबी, जीशान सहाबी, मोतबर सहाबी, मोतमद सहाबी, जन्नती सहाबी, जिन्होंने सर की आंखों से आका का दीदार किया, सहाबी उस खुश नसीब को कहते हैं जिस खुश नसीब ने सर की आंखों से प्यारे आका की जियारत की और आका पे ईमान लाए और ईमान पर उनका खात्मा हुआ। हम दुआ करते हैं कि ख्वाब में ही सही आका की जियारत हो जाए। अरे भाई, हम तो कम से कम ये भी दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और सुनो एक बात और अर्ज कर दूं, मैं सामईन की तादाद को देखकर चाहता हूं कि आपकी कसरत से फायदा उठा लूं। जिसने आका को देखा उसने आका को ही देखा। ये हदीस रसूल है, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबो हिफ्ज़िल सफा नंबर 22। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي او كما قال سيد المرسلين। شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى खैरुल रसूल खैरुल बशर खैरुल वरा। इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगो, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। सुभान अल्लाह, तो खुश होकर बोल दो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोल दो सुभान अल्लाह। हाथों को उठा कर या अली, और ताकत से या अली, हर आशिक वली बोले या अली, और बोले या हुसैन। अरे सारे लोग उठा ले, कुछ लोग हैं जो सोच रहे उठाइए, शहीद आजम की बात आ गई है, बोलिए या हुसैन या हुसैन या हुसैन।
तो आका फरमाते मर रानी फिल मनामी फकत रानी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। फइन शैतान ला यतमसलु फी सूरती, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। गौर करना, शैतान के अंदर ताकत नहीं, कुव्वत नहीं, इस्तेदाद नहीं कि मुस्तफा की तरह बन जाए। वो ख्वाब में कैसी कैसी शक्ल में आ जाता है, आ जाता है ना भाई, भैंस की शक्ल में, शेर की शक्ल में, ट्रेन की शक्ल में, प्लेन की शक्ल में, सबूतर में सो रहे, पता चला राजधानी एक्सप्रेस में बैठ गए और पटना जंक्शन पे पहुंच गए, आंख खुली तो देखा कि तखत से नीचे गिरे हुए। तो ख्वाब है, और ख्वाब का मामला तो अजीब है। एक शख्स की ख्वाहिश थी, जो कुछ आप दिन भर सोचेंगे ना, सोचते रहेंगे, जिन चीजों पे ज्यादा आपका ज़हन रहेगा, ज्यादा तवज्जो रहेगी ख्वाब में, अक्सर वो चीजें देखेंगे आप, है नहीं भाई। एक शख्स की ख्वाहिश थी, काश मेरी भैंस होती, भैंस को बेचकर दूसरी भैंस खरीद लेते, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इस तरह से भैंस का कारोबार हो जाता और इलाके में भैंस के हवाले से मेरा नाम हो जाता। यही सोचता हुआ सो गया। ख्वाब में वाकई एक भैंस का मालिक बन गया, लेकर चला जा रहा था, सामने से एक शख्स आया, बेचोगे? तो ख्वाब में सौदा हो रहा, हाँ बेचूंगा, क्या कीमत लोगे? बोला 40,000। बोला के 35,000 दूंगा। बोला नहीं 40,000। बोला 35,000 ले लो, दे दो। बोला नहीं 40,000। बहस होती रही। इसी बीच उसकी आंख खुल गई। आंख खुली तो देखा वो कि मैं बेड से नीचे गिरा पड़ा हूं, न भैंस है न खरीदार। जल्दी उठकर बेड पर लेट कर कंबल ओढ़ कर हाथ निकाल कर बोला, ठीक है 35,000 ही दे दो। हंसाना मकसूद नहीं, मुझे बताना ये कि ख्वाब में आप जो चाहे देख लें, तरह तरह की चीजें देख लेते। शैतान किसी की शक्ल में भी आ जाता, शैतान किसी की भी शक्ल में आ जाता, लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं कि शैतान मेरी शक्लो शबाहत इख्तियार नहीं कर सकता, मेरी तरह नहीं बन सकता। उलमा की तवज्जो के साथ, मुतालिमीन की तवज्जो के साथ एक बात अर्ज करना चाहूंगा, शैतान बड़ी ताकत वाला होता है, लेकिन शैतान भी नबी की तरह नहीं बन सकता। अब अगर कोई इंसान बोले कि मैं नबी की तरह हूं, तो गोया वो मनहूस इंसान नबी की दुश्मनी में शैतान से भी आगे निकल गया। सुन्नियों का तो अकीदा ये है, अल्लाह की सरदा बकदम शान है, ये इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है, ये कुरान तो ईमान बताता है, इन्हें ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।